इंडक्शन गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ नीलम देवी, गढ़बेला जिला मधुबनी। आज हम आप लोगों को बताएंगे इंडक्शन प्रोडक्ट के बारे में, जो आज जो लोग इतना दर्द के लिए, गांठ के लिए और क्या कहते हैं, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के से इलाज करवाते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, इसका मेन कारण है। इस कारण को हम आज आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा तो आप डॉक्टर से के संपर्क में रहिए। हम ये नहीं मना करेंगे कि आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं जाइए। अगर ज़्यादा टूटल फूटल है तो आप प्लास्टर भी करा सकते हैं, डॉक्टरी इलाज भी करा सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो ये इंडक्शन प्रोडक्ट है शायद से इसको आप यूज कर सकते हैं और एक महीना में अपना आप जांच करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड या कुछ भी कराकर आप देखिएगा कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। और पूरे पूरी आप अगर इंग्लिश दवा पर रहते हैं तो आप कभी नहीं टूटे फूटे शरीर से आप छुटकारा पा सकते हैं। आपको सदा के लिए शरीर में डैमेज को डैमेज रह सकता है, क्योंकि चोट लगने से क्या होता है, गांठ यहाँ पर बना देता है, खून को जमा होता है, और जब ये खून जमा होगा तो आपका दर्द होगा, तो आप दर्द का दवा खाते हैं, यानी कि गांठ का तोड़ने का दवा नहीं खाते हैं। जब आप दवा लेते हैं तब आपका दर्द तो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ का गांठ जो रहता है वो नहीं ठीक रहता है। इसी पर क्या होता है, जब तक आप दवा खाते हैं तब तक आपका गांठ जो है कम जाता है, दर्द कम जाता है, और जब ये 2-3 साल होगा और कुछ होगा, कुछ हवा बहेगा या कुछ तरह का गाँवगार का जो बात होता है वो जो होगा तो आपका दर्द बढ़ा देगा, पूरे तरीके से आप ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं आप अगर पूरे तरीके से ठीक होना चाहते हैं, अगर किसी को कहता है चोट लगने से नस भी दब जाते हैं, तो नस भी अगर आपको दब गया तो अब आपको घबराने का ज़रूरी नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा नोनी है, ये जो है ये नोनी का इतना काम है, इतना काम है जो आपको जब इसका बताने से आपको समझ में नहीं होगा, लेकिन पीने से आपको समझ में आ जाएगा। बताने से तो आपको समझ में लगेगा कि मैडम वैसे ही बकबक कर रही है, ओनाहिते बोल रही है, अपना फ़ायदा के लिए बोल रही है, लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं, हम तो अपना फ़ायदा के लिए बोलते हैं लेकिन इस साथ में आपका भी फायदा इसमें छुपा हुआ है। आप अपना फायदों के लिए आप एक बार इस जूस को ट्राई करके देखिएगा, ट्राई के रूप में हम कहते हैं, जो आप देखिएगा अगर आपका नस दब गया है या आपका गांठ बना दिया है, बॉडी में दर्द हो रहा है, आप बेचैन हो रहे हैं बार बार, कितनों दिन से आप इंग्लिश दवा खा रहे हैं, आपका हाथ पर सोज नहीं हो रहा है, तन नहीं रहा है, आप एक बार ये जूस का ट्राई करके देखिए, देखिएगा आपका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपको कहीं पर चोट लगा, आपको टूट गया फूट गया, आप जाइए डॉक्टर के पास, अपना प्लास्टर करवाइए, इलाज करवाइए, लेकिन इस जूस को जो आप 2-3 फाइल पी लीजिए और 1-2 महीना के बाद आप अल्ट्रासाउंड करके दिखाइए, जो आपका डॉक्टर को भी आश्चर्य लग जाएगा कि आप क्या खाएं क्या पिए जो आपको इतना जल्दी रिजल्ट आ गया, आपका रिकवरी आ गया, क्योंकि ये जो नोनी जूस है कोई मामूली सा जूस नहीं है, बहुत अच्छा जूस है। इसका जो कोई बॉडी में साइड इफ़ेक्ट है, हर आदमी जानते हैं कि इंग्लिश दवा को साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है, दवा में 10% का अंश रहता है और 90% केमिकल रहता है, अगर 10% हम दवा लेते हैं तो हमारा बीमारी तो दब जाता है, लेकिन वही 90% जो हमारे शरीर में दूसरा तीसरा बीमारी ले आता है। शुरू में तो आपको नहीं पता चलेगा, शुरू में आप दवा लिए बिल्कुल ठीक हो गए, आपको लगेगा हम बिल्कुल ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही चीज़ आपको 2-4 साल के बाद आप वही चेकअप करवाने के लिए जाइएगा तो लगेगा आपको पहले थे हमको बीमारी 1 लेकिन अब हो गए 10। आखिर कहाँ से आया 10 बीमारी, उस चीज़ पर सोचिए, क्योंकि ये जो जूस है हर एक चीज़ को अंदर में तोड़ता है,
किसी तरह आपको गांठ बना है, किसी तरह आपका आज के सुनने को मिल रहा है, किसी को हड्डी बढ़ रहा है, किसी को मांस बढ़ रहा है, किसी को पूरे शरीर में जो है चकत्ता चकत्ता निकल रहा है, अनेक तरह का समस्या आ रहा है। आप अगर इस जूस को पीते हैं और ये RGGL को खाते हैं और ये RG और ये पेस्ट को दोनों को अगर इमरजेंसी में है, आपको तुरंत चोट लगा, आप परेशान हैं, आपको घर में तुरंत आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप ये इस घर में रखते हैं पेस्ट को और ये RG को, ये RG को निकाल लीजिए एगो और ये पेस्ट को निकाल लीजिए, थोड़े RG को सत्तू को निकाल लीजिए और पेस्ट को निकाल के थोड़ा मलहम बना लीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए, और जहाँ आपको चोट लगल है या खून का थैला बना है या आपको खून जमल है, आप बहुत सा दर्द हो रहा है, आप दर्द से परेशान है, आप क्या कहते हैं बहुत व्याकुल है, तो वहाँ पर आप लगा दीजिए, देखिएगा 5 मिनट से लेकर 10 मिनट में आपका दर्द से राहत हो जाएगा और ये धीरे धीरे 24 घंटा में आपको लगेगा कि जो खून जो जमा हुआ है वो खून को छिटक गया, क्योंकि इसमें गेनोडर्मा डाला हुआ है, दुनिया का जड़ी बूटी है, इसका काम है टॉक्सिन को बाहर करना, ये जो खून जो जमा हो जाता है गंदगी वाला इसको ये क्या करते हैं ठीक कर देते हैं। तो आप अगर नेचुरल तरीका से चाहते हैं मेरा बॉडी ठीक हो, हमारे बॉडी में कोई दवा ना जाए, केमिकल से हम बचे, क्योंकि सब जानते हैं कि आज के डेट में हम लोग का खान पान इतना गलत हो चुका है, जो हम वही खान पान से बीमारी के ओर जा रहे हैं, हमारे खान पान इतना गलत है जो हम इतना बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। अगर मेरा खान पान इतना गलत, अगर हम और इंग्लिश दवा को ओर जाते हैं तो और हमारा बीमारी बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है, हम लोग गलत फहमी में जीते हैं, क्योंकि डॉक्टर हम लोग का पूरा बात नहीं बताता है, पूरा बात अपना मन में दबा कर रखता है और पूरे बात बताएगा तो हम लोग भी सब परेशान हो जाते हैं, और वो क्लियर बात नहीं बताए, कहेगा आपको ज़िंदगी भर आप दवा खाते रहिए खाते रहिए, जब आपका दवा शरीर पर काम नहीं करेगा तब आपको लास्ट में बताएगा डॉक्टर जो आपका शरीर में ये बीमारी लग गया है, आप तुम नहीं बचोगे, लास्ट में आपको जवाब दे देगा। उस चीज़ से अगर बचना है तो आप रिएक्शन प्रोडक्ट को यूज करिए और अपना बीमारी से बचिए और अपना सेहत को बचाइए, कोई लास्ट में आपको टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटा ही प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम होता है, शुरू में आपको लगेगा इतना ही वो प्रॉब्लम है, हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही इतना छोटा प्रॉब्लम इतना बड़ा हो जाता है। मान के चलिए आज के डेट में गांठ का समस्या बहुत आ रहा है, किसी को सीना में, किसी को कहीं पर, इतना ही सा गांठ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वही गांठ हमको लास्ट में कैंसर तक ले जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है मेरा पैसा भी 10 लाख 20 लाख चला जाता है, आदमी भी चला जाता है, बचा नहीं पाते हैं। अगर हम वही छोटा सा गांठ को अगर हम ये पेस्ट और ये RG लगाते हैं और खाते हैं और ये GL खाते हैं और ये एस्पालूना खाते हैं और ख़ास करके ये हम नोनी पीते हैं, तो यही छोटा गांठ कभी बड़ा नहीं होगा, धीरे धीरे आप अगर 1 महीना से लेके 3 महीना तक खाते हैं इसको रेगुलर, तो देखिएगा आपका गांठ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर इस गांठ को आप कितनों इंग्लिश दवा लेते हैं तो लास्ट में आपको ऑपरेशन करवाने का नौबत होगा, क्योंकि उसको दबाने के लिए इंग्लिश दवा के पावर है नहीं, लेकिन आप अगर ये दुनिया का जड़ी बूटी को राजा को इस्तेमाल करते हैं खाते हैं तो ये भगवान ऐसा गेनोडर्मा भेजे हैं, ऐसा गेनोडर्मा भेजे हैं जो डॉक्टर सब भी आश्चर्य हो गए हैं कि इसमें आखिर क्या ऐसा डाला हुआ है जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं,
वो ये आरजी जीएल कर सकते हैं, क्योंकि आपको विश्वास और धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है, जो आपको कोई नहीं बचा सकता है वो ये आरजीजीएल और नोनी ये बचा लेगा। तो आपको पर डिपेंड पड़ता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आपको बचना है या मरना है। भगवान दोनों ऑप्शन भेज दिए हैं, बचने के लिए भी और मरने के लिए भी। अगर हमको बचना है तो हम ये प्रोडक्ट खाएंगे, सही सलामत हमारा जीवन बीतेगा। अब कोई मतलब कहता है कि कोई कमेंट भी कर देता है, क्या डिएक्शन प्रोडक्ट खाने वाला मरते नहीं है कभी? मरना तो एक दिन निश्चित है सबको, जो दुनिया में जन्म लिया है सो एक ना एक दिन मृत्यु सबको है, सबको एक ना एक दिन मरना है। लेकिन मृत्यु भी जो होता है दो प्रकार का मृत्यु, एगो हम लोग मरते हैं तो अपना सही सलामत उम्र लेकर मरते हैं, कोई कष्ट हमारे शरीर में नहीं होता है। एक मृत्यु होता है कि 30 साल में 25 साल में हजारों बीमारी का हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझना है, जैसे पहले जमाना को बात लीजिए कि कोई आदमी ऐसा नहीं थे जो 80 बरस से 100 बरस होने के बाद मरता था, कोई बीमारी उसके शरीर में नहीं लगता था। लेकिन इसका कारण क्या है, उसी कारण को ढूंढिए और गहराई तक जाइए, आपका बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस समय में न इतना दवा था और न इतना डॉक्टर था, लेकिन आज के समय में जितना दवा हम लोग खाते हैं, बच्चा पैदा लेता है इंजेक्शन पर इंजेक्शन हम देना शुरू कर देते हैं, तो मैन इसका ही दुष्ट प्रभाव जो है हमारा शरीर में जाते 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 लीवर हार्ट किडनी जितना हमारे शरीर का पार्ट पुर्जा है 30 साल 25 साल 35 साल 40 साल जाते जाते हमारा शरीर डैमेज हो जाता है। तो हम हजारों बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हम कितना दिन टिक पाएंगे दवा खाकर? बस 40 साल 50 साल जाते जाते हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है। अगर इसी जगह आप अपना पर डिपेंड कीजिए और सोचिए कि ये इसी पहले की तरह भगवान डॉक्टर लिमसियोजिन मानव जाति के लिए ये डिएक्शन प्रोडक्ट भेज दिए हैं, अगर आप इसको अभी से यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे तो मेरा बच्चा भी यूज करेंगे। ब्रांड का चेंज करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। ये चाय है, अगर जो आदमी